नवी मुंबई की तुर्भे पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और घर फोड़ी करने वाले एक आरोपी आदित्य गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जोन 1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी आदित्य गुप्ता 6 अलग अलग मामलों में आरोपी है और उससे पूछताछ के बाद कई वारदातों का खुलासा हुआ है। वहीं 45,000 रुपयों के गहने और 1,91,000 रुपयों के 26 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने इस कार्रवाई के लिए तुर्भे पुलिस थाने के सीनियर PI राजेंद्र आहवाड़, क्राइम PI सुनील कदम, API वैभव नन्नावरे और पवन नांद्रे की सराहना की, जिन्होंने आरोपी से जुड़े कई वारदातों का खुलासा किया। 9 सितंबर को बाप गली तुर्भे स्टोर यहाँ पे एक महिला के घर में एक आरोपी अंदर घुस के उसने थोड़ी छेड़छाड़ की और उसके बाद उसके वीवो कंपनी का एक मोबाइल और एक 1000 रुपीज़ कैश ये लेके ये पसार हो गया था। ये गुने का तपास हमारे सीनियर PI श्री राजेंद्र आवाड़ और API सपोन नांद्रे ये दोनों ने एक टीम फॉर्म करके किया था। उसमें से तपास करते हुए हम लोगों ने आदित्य प्रेमचंद गुप्ता नामक एक 24 साल का आरोपी उसमें अरेस्ट किया और वे आरोपी अरेस्ट करके जिसके पास से ये जो 2000 रुपये का मोबाइल और 1000 रुपये कैश तो बरामद की, लेकिन उसके बाद इसके पहले का एक जो गुना था वो गुना भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया है और वो गुने का तकरीबन 45,000 का एक गोल्ड पेंडेंट और 2 गोल्ड रिंग्स ये भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये आरोपी के पास और 26 मोबाइल भी मिले हैं अलग अलग कंपनी के और वो मोबाइल वो उन्होंने कहाँ से उठाए और किसी को बेचे थे ये बाद में इसमें बारे में हम लोग और तपास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।